बेटा तो लास्ट क्लास में इंडक्टर और रेजिस्टर को हमने डीसी सर्किट में लगाया था, और जब स्विच क्लोज किया था हमने, तो हमने देखा कि करंट आपका राइज कर रहा है। ओके, अब जब स्विच ओपन करते हैं तो करंट एकदम से जीरो हो जाता है कि टाइम लेता है। सो हम लोग आज स्टडी करेंगे डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट इन LRDC सर्किट। अगर ये इंडक्टर है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास रेजिस्टर है, ये बैटरी लगा हुआ है आपका, ये स्विच है। तो अब क्या होता है बेटा, लेट से यहाँ पे मैक्सिमम करंट चल रहा है आपके पास, करंट मैक्सिमम चल रहा है I0। ओके, और यहाँ पे अब ये I0 करंट चल रहा है, इसके अंदर मैक्सिमम करंट ग्रो हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक वायरिंग और लगा देते हैं, क्योंकि सर्किट भी तो कंप्लीट कराना है ना करंट फ्लो करवाने के लिए। इसे स्विच S1 को S1 लिख देते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो S को ओपन कर दिया एंड S1 को क्लोज कर दिया, एंड करंट कितना है, करंट इज इक्वल टू I0, दैट इज मैक्सिमम करंट है, करंट इज मैक्सिमम। सो बेटा एट टी इज इक्वल टू जीरो हमने S1 स्विच को क्लोज कर दिया है, इस स्विच को क्लोज कर दिया है और इस स्विच को क्लोज ओपन कर दिया है। तो S ओपन होने से इस बैटरी का रोल खत्म हो जाएगा अभी बेटा। सो अभी क्या होगा, जो ये करंट I0 है, इसको अगर ये बैटरी करंट सप्लाई नहीं करेगी, बैटरी एनर्जी नहीं देगी, तो ये करंट क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एज बैटरी इज डिसकनेक्टेड सो करंट I0 टेंस टू रिड्यूस टू जीरो, टेंस टू रिड्यूस टू जीरो। तो जब ये जीरो पे रिड्यूस होना चाहेगा बेटा, तो इससे क्या होगा, फिर से इसका फ्लक्स जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपकी सेटअप हो चुकी थी करंट की वजह से, वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, इसका फ्लक्स कम होगा, तो ये यहां पे फिर से सेल्फ रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, टेंस टू रिड्यूस टू जीरो, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूसेस एंड सेल्फ इंडक्शन अकर, सेल्फ इंडक्शन अकर। ओके बेटा, तो इससे क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगी, तो जिससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द इंडक्टर अपोजिज द डिक्रीज ऑफ करंट, अपोजिज द डिक्रीज ऑफ करंट। तो करंट के डिक्रीज हो रहा था जो बेटा बैटरी के डिस्कनेक्ट होने से, उसको ये अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो इस डायरेक्शन में सेटअप होगा कि इस करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ये एक बैटरी बन जाएगी एक तरह से, ये क्या है, ये एक बैटरी बन जाएगी, ऐसे एक बैटरी बन जाएगी ये। ओके, इसके अंदर जो सेल्फ इंडक्शन होगा उसकी वजह से एक बैटरी बन जाएगी, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसे बन जाएगा। ये सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, और ये रेजिस्टर आ गया, इससे करंट ऐसे रहेगा हमेशा, करंट पहले वाली डायरेक्शन में ही रह जाएगा आपका, करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। ओके, सो ये ES है, ये वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टर आ जाएगा VR, और बैटरी कोई नहीं है। तो यहां पे अगर आप इक्वेशन बनाओगे अभी, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस ES प्लस I0R, क्योंकि जब आप यहां से यहां जाओगे तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हो। ओके, फिर यहां पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो I0R इज इक्वल टू ES आ जाएगा, और ES का मतलब है LdI/dt। ओके, सो ES का मतलब क्या है, LdI/dt।
और यहाँ पे जो है आपका बेटा एक करंट डिक्रीज हो रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट में कि यहाँ पे क्या होगा एट टाइम टी करंट कितना है आई, तो एट टाइम टी प्लस डी टी, जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, करंट आई माइनस डी आई हो जाएगा, मतलब करंट बढ़ नहीं रहा बेटा। यहाँ पे करंट क्या है उसको वो सपोर्ट करके, ऐसा नहीं कि करंट को बढ़ा देगा, करंट आई नॉट था तो वो आई नॉट से नहीं बढ़ेगा कभी भी, क्योंकि उसके लिए तो एनर्जी चाहिए। ओके, एनर्जी सर्किट खुद नहीं क्रिएट करेगा कभी भी, तो आई नॉट करंट को वो मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, एक सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप कर देगा। अब वो आई नॉट को जीरो जल्दी इंस्टेंटेनियसली जीरो होने से रोकेगा और कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, तो इसीलिए वो कुछ समय लेता है डिके होने में टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन चुकी है दैट इज आई नॉट आर एल, अच्छा यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख देते हैं क्योंकि करंट हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, करंट हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, एल माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसमें भी दो वेरिएबल है, आई वेरिएबल है और टी वेरिएबल है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आई नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आई नॉट नहीं लिखेंगे, किसी भी इंस्टेंट की बात हो रही है तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट कितना है आई है। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब फिर से आप वेरिएबल सेपरेट कर लोगे तो इधर क्या आ जाएगा, डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल डी टी, एल भी दूसरी तरफ ले जाते हैं हम लोग। ओके, ये आर हमारा, ये एल इधर आ गया है और ये डी टी इधर चला गया, ये आई इसके नीचे, डी आई को डिनोमिनेटर में रखना है हमने। ओके, सो डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल इंटू डी टी, सो ये रीअरेंज करके आ गया। एक बार वेरिएबल सेपरेट कर लिए, अब आप इंटीग्रेट कर दोगे, करंट हमारा इनिशियली आई नॉट से आई हो रहा है और टाइम हमारा जीरो से टी वेरी कर रहा है। सो डी आई बाई आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग आई, और आई के लिमिट पुट कर देंगे आई नॉट से आई, दिस विल बी इक्वल्स टू डी टी की इंटीग्रेशन टी हो जाएगी माइनस आर बाई एल और लिमिट पुट टी आ जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे जीरो टू टी। सो नाउ आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल टी, अब लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस आर बाई एल टी। तो यहां से बेटा अगर इस लॉ को सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल टी, और आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट ई रेज टू पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो ये आपके पास रिजल्ट बन चुका है यहां पे। ओके, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप अगर आई का ग्राफ ड्रॉ करते हो टाइम के साथ, I नॉट एंड T का वेरिएशन चेक करोगे तो इनिशियली I की वैल्यू I नॉट के इक्वल है और ये करंट रिड्यूस हो रहा है, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस हुआ है, बट फाइनली क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, जीरो को टच नहीं करेगा, ये सैचुरेट हो जाएगा ये ग्राफ। ओके, ये I नॉट वाला पॉइंट है ये कि मैक्सिमम इनिशियली T इज इक्वल टू जीरो पे करंट कितना है, ये जीरो है, और टाइम के साथ करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है और फाइनली जीरो हो जाएगा। थ्रेटिकली चेक करेंगे तो टाइम कुछ लगेगा, इन्फानाइट टाइम लगेगा, बट प्रैक्टिकली कुछ मतलब आप कह सकते हो सेकंड्स में कुछ में डिक्रीज हो जाएगा, बट जीरो सेकंड में नहीं, इंस्टेंटेनियसली रिड्यूस नहीं होता यहाँ पे। ओके, जैसे कि रेजिस्टर के केस में क्या होता है, अगर आप स्विच ओपन कर दोगे तो वो इंस्टेंटेनियसली रिड्यूस हो जाएगा, बट इसके केस में ऐसा नहीं होता। सो दिस इज द डिके ऑफ करंट इन द एल आर डी सी सर्किट। ओके, सर्किट आपका डी सी है बेटा, डी सी बैटरी लगी हुई है और एल आर सर्किट है आपका, रेजिस्टर एंड इंडक्टर लगे हुए हैं। तो जब आपने स्विच को ओपन कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब बैटरी के डिस्कनेक्ट होने से अब बेटा करंट सोर्स नहीं बचा है कोई। ओके, तो इस वजह से अब करंट ये है ड्रॉप करना चाहेगा, रिड्यूस टू जीरो होना चाहेगा, तो इस वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा और फ्लक्स चेंज होते ही इसमें सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी और सेल्फ इंडक्शन से इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाएगा, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने आप को कुछ इस डायरेक्शन में सेटअप करेगा कि वो इस रिड्यूसिंग करंट को इंक्रीज करे। तो जो रिड्यूसिंग करंट जीरो हो गया था, आप बोल सकते हो कि जब स्विच ओपन होगी तो जो रिड्यूसिंग करंट जीरो हो गया था उसको ये थोड़े टाइम के लिए करंट को जीरो नहीं होने देगा। ओके,
और ये रेजिस्टर यहाँ पे लगाने का पर्पस ही ये होता है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टर ना होता तो ये जो इंस्टेंटेनियसली एकदम से करंट क्रिएट कर देगा ना ये, तो वो इस स्विच को डैमेज कर सकता है, इस कॉयल की वायरिंग को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए रेजिस्टर एक तरह से करंट को एक्स्ट्रा फ्लो होने से बचाता है बेटा। ओके, सो दिस इज योर इंडक्टर विद रेजिस्टर, और इसमें डिके ऑफ करंट कैसे होता है ये हमने पढ़ा इसमें। सो बेटा हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू जनरेट अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है? हुज पोलैरिटी और यू कैन से डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, किसी एक इंटरवल किसी टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ऐसे करंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास होता है एसी जनरेटर। इस एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो अब तक हम पढ़ के आए हैं बेटा वही इसका प्रिंसिपल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि जब हम किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है, और यू कैन से इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाता है। ओके, अगर वहां पे सर्किट बन रहा है। अब इसका डायग्राम क्या है, ये कैसा दिखता कैसा है एसी जनरेटर हमारा? ओके, इस एसी जनरेटर में सबसे पहले हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करनी होती है। ओके, तो ये नॉर्थ साउथ पोल है मैग्नेट के, परमानेंट मैग्नेट के, जो कि यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे। यहाँ पे रेडियल मैग्नेट बना देते हैं कई बच्चे, बेटा यहाँ पे रेडियल मैग्नेट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, नॉर्मली मैग्नेट्स बना दो यहाँ पे, और इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉयल है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल है। इस रेक्टेंगुलर कॉयल को हम इसकी एक्सिस के ऊपर करवाते हैं रोटेट, तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं हम इन्हें। ओके, ये रोटेशन आप किसी भी मेथड से करवा सकते हो, जैसे अगर आप विंड एनर्जी से बोलोगे तो विंड की काइनेटिक एनर्जी से इस कॉयल को रोटेट करवा सकते हो। वाटर के जैसे वो हाइड्रो पावर प्लांट में होता है, वहां पे वाटर की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। और ऐसे ही जो हमारे घरों में नॉर्मल होते हैं उसमें कंबर्शन इंजन होता है आगे जो इसे रोटेट करता है। सो इस कॉयल के जो आखिरी के दो एंड्स होते हैं, इस कॉयल के जो एंड्स होते हैं बेटा उन्हें आगे कनेक्ट किया होता है रिंग्स के साथ। अब डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में सिर्फ यही डिफरेंस है, यहां तक एसी और डीसी बिल्कुल सेम रहता है, यहां पे इसके बाद एसी एंड डीसी में डिफरेंस आता है। ये आपका हो गया डी एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में एक ये स्लिप रिंग हो गई, एक स्लिप रिंग यहां पे और लग जाएगी, तो यहां पे दो स्लिप रिंग्स होती हैं। वहां पे एक ही स्प्लिट रिंग होती है, वहां पे स्प्लिट रिंग होती है, यहां पे स्लिप रिंग होगी, और इस स्लिप रिंग के साथ कार्बन ब्रशेस होते हैं। ये कार्बन ब्रशेस होते हैं, इनको बेटा इनके साथ कांटेक्ट में रखा जाता है, और इनसे यहाँ पे वायर्स निकलती हैं जो कि एक्सटर्नल हमारे घरों में या किसी भी एक्सटर्नल लोड रजिस्टर में जाती है। ओके, ये स्लिप रिंग्स बहुत बच्चे क्या है बेटा, एक स्लिप रिंग इधर लेफ्ट में बनाते हैं, एक राइट में बनाते हैं, बेटा इन्हें कोएक्सियल ही रखना है। ये सारी चीज क्या है, एक ही एक्सिस के ऊपर लाई करिए, जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये इसकी एक्सिस है पूरे सिस्टम की, क्योंकि बेटा तभी ये बैलेंस हो पाएगा। वैसे तो जैसे आप बना दोगे एक स्लिप रिंग इधर बना दोगे किधर, तो वैसे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा सिस्टम आपका बेटा, इम्बैलेंस रहेगा, वाइब्रेशंस होंगी। तो बैलेंस रखना है तो ये चीज करनी पड़ेगी। ये आपकी स्लिप रिंग S1 है, ये आपका ब्रश B1 है, ऐसे ये ब्रश B2 हो गया आपके पास, ये आपका स्लिप रिंग S2 हो गया, ये आपका ABCD, ये ABCD रेक्टेंगुलर कॉयल है आपकी। ओके, सो जब आपका यहाँ पे रोटेशन होगा, ये रोटेशन आप किसी भी मैकेनिकल सोर्स से प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये कॉयल रोटेट करेगी। नाउ अब इस कॉयल का जो एरिया है बेटा, लेंथ और ब्रेथ नहीं चेंज हो रहा है, ना ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी बी हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी, ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना ही कॉयल का लेंथ ब्रेथ चेंज हो रहा है। तो चेंज क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करूँ, तो इस एरिया वेक्टर का जो ये एंगल थीटा है कॉयल के साथ,
ये एरिया वेक्टर का जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा है वो चेंज होगा जब ये कॉयल रोटेट करेगी। ओके सो इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो इनिशियली एंगल आपका कितना है, जीरो है। सो टाइम के साथ ये एंगल बढ़ेगा और पहले इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर जीरो हो जाएगा एंड सो ऑन। ओके, क्योंकि ये कॉयल यहीं पे रोटेट करती जाएगी। सो ये हमारी डायग्राम है इसकी। तो अब इसकी वर्किंग क्या होती है, सो आप इसकी कंस्ट्रक्शन में भी आप ये बता सकते हो कि ये कैसे वर्क करती है। तो इसमें आपने सबसे पहले तो बेटा आपने ये बता देना है कि एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉयल एबीसीडी, एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉयल एबीसीडी, और वो कॉयल एबीसीडी जो है उसके दोनों एंड्स दो स्लिप रिंग S1 एंड S2 के साथ कनेक्टेड है। दीज स्लिप रिंग्स आर फर्दर इन कंटेक्ट विद ब्रशेज B1 एंड B2। ओके एंड फ्रॉम दीज ब्रशेज करंट पासिस टू द आउटर सर्किट। ओके तो आउटर सर्किट में जो लोड रजिस्टर में करंट इस इन ब्रशेज से जाता है आगे। ओके ये कार्बन ब्रशेज होते हैं, हार्ड होते हैं, इनकी वेरिंग टेरिंग के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये हमेशा इसके साथ घिसते रहते हैं स्लिप रिंग्स के साथ। ओके सो बेटा जब आप एसी जनरेटर की बात करोगे, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाई थी वो डायग्राम ये भी इतना क्लियर ना हो पा रहा हूँ, लेकिन अभी आप अगर ये डायग्राम देखोगे, ये एसी जनरेटर की डायग्राम है। इसमें जो हैंडल लगा हुआ बेटा, ये हैंडल का मतलब यहाँ से इसे रोटेट करते हैं, इधर से ये रोटेट होता है ये कॉयल। ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉयल है जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है। ये मैग्नेट्स आप रेडियली दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, नॉर्मली सीधे बना दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलवेनोमीटर में जरूर रेडियल दिखाना। ओके सो ये मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे ये कॉयल रोटेट करेगी। इस कॉयल के दोनों एंड्स जो हैं बेटा, ये देखिए S1 S2 स्लिप रिंग के साथ जुड़े हुए हैं, इन स्लिप रिंग के साथ ये ब्रशेस B1 B2 कॉन्टैक्ट में है। ये स्लिप रिंग्स जो है ये कॉयल के साथ रोटेट करती हैं, जैसे जैसे कॉयल रोटेट करेगी वैसे वैसे स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगे, और ये जो रोटेटिंग स्लिप रिंग्स है ये ब्रशेस के साथ कांटेक्ट में है, और ये ब्रशेस नहीं कांटेक्ट रोटेट करते, ये ब्रशेस यहाँ पे फिक्स रहते हैं, इनको स्प्रिंग के साथ यहाँ पे इनके साथ कांटेक्ट में हमेशा रखा जाता है। अदरवाइज क्या होगा बेटा, अगर ये ब्रशेस भी रोटेट करने लग जाएंगे तो ये जो वायर्स हैं ये भी रोटेट करेंगी, तो ये सारा सर्किट साथ साथ घुमाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। सो हमें यहाँ पे क्या, रोटेटिंग चीज से स्टेशनरी चीज के पास करंट पास करना था, तो रोटेटिंग कंपोनेंट हमारा स्लिप रिंग्स है और स्टेशनरी कंपोनेंट ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस बोल देते हैं इन्हें। सो इनकी क्या वर्किंग क्या है और डायरेक्शन कैसे चेंज होती है आउटर सर्किट पे वो देखना है हमें बेटा। सो इनिशियली आपने देखा है कि एंगल जीरो है, सो जब ये कॉयल रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो एंगल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपका। ओके और इस वक्त सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग ये बात ऐसे कंसिडर करें, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का ध्यान रखना होगा हमें। एक तो ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉयल है, ए बी सी डी रेक्टेंगुलर कॉयल है, और जब ये रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट, अगर ये कॉयल रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से, तो इस वक्त जो आपका ए बी सेक्शन है ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ओके ये आपका यहाँ पे प्लेन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ओके ये परपेंडिकुलर है, और यहीं पे ही आपका जो सी डी पार्ट है वो अंदर को जाने की कोशिश कर रहा है। ओके तो अगर ये ए बी बाहर को आ रहा है तो सी डी जो है वो अंदर को जाएगा। ओके ये परपेंडिकुलरली दिखा रहा हूँ, ये वेलोसिटी है दोनों ए बी एंड सी डी कंडक्टर की। ओके सो इस वक्त क्या हुआ है, एट द इंस्टेंट व्हेन कॉयल इज रोटेटिंग इन सच अ वे दैट ए बी कंडक्टर मूव्स
आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर एंड सीडी, सीडी कंडक्टर एंड सीडी कंडक्टर मूव्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम. तो आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करोगे. आप अपने थंब को, थंब वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है. राइट हैंड रूल में थंब जो होता है आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है. अगर आप थंब आपका बाहर को लेके आओगे, पेपर के बाहर को रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ रखोगे, तो आप देखोगे कि जो ए से बी करंट होगा, करंट इधर क्या होगा, ए से बी होगा. इंड्यूस करंट इधर ए से बी होगा और इधर लगा के देखोगे तो सी टू डी होगा. सो इंड्यूस करंट इज फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी. ओके, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमिंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डिटरमिंड यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. सो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपका करंट ए से बी एंड सी से डी जाएगा. ओके, सो ये इनिशियली हुआ है. देखो ए जो पार्ट है आपका, ए पार्ट आपका स्लिप रिंग एस वन के साथ कनेक्टेड है और जो सी डी, डी एंड जो है वो स्लिप रिंग एस टू के साथ कनेक्टेड है, एस टू. सो एस वन से करंट आपका, जब बेटा ए से करंट बी पे जाता है, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से वापस एस टू स्लिप रिंग पे गया, एस टू स्लिप रिंग से ब्रश बी टू पे गया और बी वन से करंट निकला है आपका बाहर को और आगे करंट लोड रेजिस्टर में जा रहा है कुछ इस तरह से और यहां से गया अंदर, फिर ए से गया और ये करंट इस तरह से पास हो गया आपका. ओके, यहाँ पे ये एरो उल्टा लगा हुआ है. इस एरो को ऐसे मान लो कि ए बी जो सेक्शन है ये बाहर को आ रहा है. ओके, ए बी सेक्शन बाहर को आ रहा है, सी डी सेक्शन अंदर को जा रहा है. ओके, आगे हम लोग इसका उल्टा करते हैं. अब नेक्स्ट, अब क्या होगा आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, क्या होगा? जैसे अभी ए बी बाहर को आ रहा था, सी डी अंदर को जा रहा है, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन क्या होगा? जो आपका सी डी है वो बाहर को आने लग जाएगा, सी डी बाहर को आने लग जाएगा, ए बी आपका अंदर चला जाएगा. ओके, सो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन क्या होगा? आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन सी डी विल मूव आउट ऑफ पेपर whereas AB will move into the paper. Okay, तो half revolution के बाद अगर आप diagram बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगी. ये north, ये south, ये आपके पास rectangular coil है. तो अभी आपका CD section इधर आ गया होगा, AB सी डी और ये जो सी डी एंड था, डी एंड किसके साथ कनेक्टेड था? एस टू रिंग के साथ. और ए एंड किसके साथ कनेक्टेड है? एस वन रिंग के साथ. ओके, इनका कनेक्शन नहीं चेंज होगा बेटा. कई बच्चे क्या करते हैं, हाफ रेवोल्यूशन का सी डी इधर लिख देते हैं, इसको एस वन के साथ कनेक्टेड, डी एंड हमेशा एस टू के साथ कनेक्शन में रहेगा और ए एंड हमेशा एस वन के साथ कनेक्शन में रहेगा. ये बी वन आगे लगा हुआ है, ये आपका बी टू लगा हुआ है और इनके बीच में लोड रेजिस्टर लगा हुआ है कुछ इस तरह से. तो नाउ सी डी कंडक्टर बाहर को आ रहा है और ए बी कंडक्टर अंदर को मूव कर रहा है. तो अगेन व्हेन वी विल अप्लाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वी विल फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम डी टू सी एंड हियर फ्रॉम बी टू ए. सो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये बन गई. तो अगर आप देखोगे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, पहले पार्ट में क्या था, ए से बी सी डी, ए बी सी डी था. अभी अगर इस केस में देखोगे तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डी सी बी ए हो गया, उल्टा हो गया है, रेक्टेंगुलर कॉइल में उल्टा हो गया है.
और रेक्टेंगुलर कॉइल में उल्टा होने का मतलब है आउटर सर्किट में भी उल्टा हो गया। देखो अब करंट जो है B1 से B2 की तरफ जाएगा, पहले करंट B2 से B1 की तरफ जा रहा था, अभी करंट B1 से B2 की तरफ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। तो डायरेक्शन को रिवर्स करवाने के लिए ही हमने यहाँ पे दो स्लिप रिंग्स कनेक्ट किए हैं, क्योंकि आपकी बेटा कॉइल जो है उसमें हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, और इस करंट की डायरेक्शन जो रिवर्स हुई है उसको बाहर भी रिवर्स करने के लिए हमने दो स्लिप रिंग्स कनेक्ट किए हैं। अगर यहाँ पे एक स्लिप रिंग होता जैसे कि डीसी में होता है तो डायरेक्शन नहीं रिवर्स होगी फिर आपकी। ओके, सो अगेन यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज फ्रॉम डी टू सी एंड बी टू ए। ओके, तो करंट क्या हो गया, बी टू ए हो गया, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। सो इन दिस वे यूजिंग स्लिप रिंग्स S1 and S2, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रेवोल्यूशन, आफ्टर ईच हाफ रेवोल्यूशन, आउटर सर्किट में डायरेक्शन आपकी चेंज होगी। करंट अगर पहले राइट से लेफ्ट की तरफ था, पहले लेफ्ट से राइट की तरफ था, तो अगर अब राइट से लेफ्ट की तरफ है तो डायरेक्शन आपकी रिवर्स हो चुकी है। नाउ बेटा जब भी आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, तो आपने ये सारा लिख के आना है। आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिख दो एक लाइन में, क्या पर्पस के लिए यूज करते हैं, फिर उसका प्रिंसिपल, फिर डायग्राम, डायग्राम को हल्का सा एक्सप्लेन कर दो कि डायग्राम के अंदर क्या क्या है, नॉर्थ साउथ पोल है मैग्नेट्स की, एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉयल है और इसको स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। रेक्टेंगुलर कॉयल को बहुत बार आर्मेचर भी लिखा होता है बेटा, सो कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद आपने इसकी वर्किंग में इस तरह से दो डायग्राम एक्सप्लेन कर देनी है बेटा, एक डायग्राम में ए बी एंड ऊपर को आता, सी डी एंड नीचे को जाता दिखा देंगे, और आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन सी डी एंड लेफ्ट की तरफ आ गया आपका और ए बी एंड राइट की तरफ चला गया है, जिस वजह से अब सी डी बाहर को आने लग गया और ए बी अंदर को जाने लग गया और जिस वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, फैराडेज लॉ अप्लाई करके इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एसी जनरेटर, सो फैराडेज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया इंटू कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो अब देखिए बेटा, ना तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रही है टाइम के साथ, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और ना ही आपका लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रहा है, तो टोटल एरिया कॉइल का चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे इफेक्टिव एरिया जरूर चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल की वजह से इफेक्टिव एरिया चेंज हो रहा है। ओके, बट टोटल एरिया तो कॉइल का लेंथ इनटू ब्रेथ सेम रहने वाला है आपका। सो अब आपने कॉस थीटा, बेटा थीटा वेरी कर रहा है तो टाइम के साथ थीटा वेरी कर रहा है, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और थीटा इज अनदर वेरिएबल, सो यहाँ पे चेन रूल लगा के डी थीटा बाय डी टी कर देंगे। अब इनिशियली एंगल जीरो था तो किसी भी टाइम पे थीटा एंगल बन रहा है अगर हमारा। ओके, सो क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस एन बी ए ओमेगा, क्योंकि डी थीटा बाय डी टी का मतलब क्या होता है, ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं आप लोग, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। और थीटा को क्या लिखा जा सकता है किसी भी टाइम पे, देखो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी हो जाएगा, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो,
एंगल 0 टू थीटा हो रहा है और इधर टाइम 0 टू टी बन रहा है। किसी भी टाइम टी पे थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा इसे इंटीग्रेट करके, तो ये बन जाएगा। ओके, माइनस माइनस भी प्लस हो गया है, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा डाल दिया है और साइन थीटा था जो उसे ओमेगा टी डाल दिया। सो दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। और अगर मैक्सिमम की बात करनी है, मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा, मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा, क्योंकि ये तब होगा जब साइन ओमेगा टी हो जाएगा वन। सो ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो दिस इज योर मैक्सिमम, दिस इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द एसी जनरेटर। और आपने अगर करंट फाइंड आउट करना है, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, ई बाई आर, आर एल लिख सकते हो लोड रेजिस्टर, तो ये बन जाएगा ई नॉट बाई आर एल साइन ओमेगा टी। सो अगर मैं यहां पे करंट का ग्राफ ड्रॉ करूं टाइम के साथ, तो करंट जो है टाइम के साथ साइनोसोडली वेरी कर रहा है बेटा, साइन की फॉर्म में चेंज कर रहा है। तो साइन वाला ग्राफ ड्रॉ कर देंगे हम लोग, और ये देखिए पहले जीरो से पॉजिटिव वैल्यू होगी आपकी, फिर पॉजिटिव से जीरो होगा, फिर जीरो से कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा। तो यहां पे बेटा इसके बाद, इस पॉइंट के बाद पोलैरिटी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ओके, पोलैरिटी चेंज हुआ, फिर इस पॉइंट पे आके पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, एक फिक्स्ड टाइम के बाद आपका पोलैरिटी चेंज हो रहा है। ओके, और यहां पे ओमेगा जो है दैट इज द फ्रीक्वेंसी विद विच कॉइल इज रोटेटेड। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल है जिसके साथ उसे रोटेट किया गया है। इसे आप लोग बेटा ओमेगा को एसी करंट की फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। ओके, क्योंकि जो आपका एसी जनरेटर है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा होगी। ये देखो साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा कहां से आया, ये जो एसी जनरेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कॉइल की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वहां से आया। तो एसी जनरेटर की जो कॉइल की फ्रीक्वेंसी है वही आपके एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेटिंग कॉइल, और आप क्या लिख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हो बेटा, फ्रीक्वेंसी को क्या ऐसे निकाल सकते हो, ओमेगा बाय टू पाई। तो यहां से, और नॉर्मली जो हमारे घरों में एसी करंट आता है बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 टू 60 हर्ट्ज के बीच में होती है। मतलब एक सेकंड में ये 50 बार अपनी पोलैरिटी चेंज कर देता है। ओके, 50 साइकिल्स, मतलब एक सेकंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट कर देता है। और एक साइकिल में ये कितनी बार फ्रीक्वेंसी चेंज, पोलैरिटी चेंज करता है, दो बार। तो इसका मतलब है एक सेकंड में 100 बार पोलैरिटी चेंज हो जाती है। मतलब एक होल जो होता है आपके घर में, जो सॉकेट होता है बिजली का, उसका जो एक होल है वो 50 बार पॉजिटिव बनता है, 50 बार नेगेटिव बनता है एक सेकंड में। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी हियर। सो दिस इज योर एसी जनरेटर। सो नाउ वी नो दैट हाउ टू प्रोड्यूस अ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होगा, बेटा आपने उसे अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देनी है तो वो उसकी एक्सप्रेशन ये बनेगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आप कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर इनिशियल एंगल उसका पाई बाई टू होता तो फिर ये कॉस ओमेगा टी बन जाता। ओके, तो साइन ओमेगा टी लिखा हो या कॉस ओमेगा टी लिखा हो, दोनों चल सकते हैं आपके। ओके, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फेज ऑफ द कॉइल। कॉइल का इनिशियली एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, प्लेन का। ओके, सो साइन ओमेगा टी भी लिखा हो सकता है, कॉस ओमेगा टी भी लिखा हो सकता है, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बस यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि आपका जो ये ग्राफ है ये साइन या कॉस के अकॉर्डिंग चेंज करता है, और इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है अप एंड डाउन टू। एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ऊपर नहीं जाती कभी वैल्यू, उससे फिर नीचे आ जाएगा, फिर नेगेटिव में उतना चला जाएगा। ओके, और अगर इंड्यूस्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करोगे, अल्टरनेटिंग ईएमएफ That is E is equals to E naught sin omega t लिखा जा सकता है, or you can say E is equals to E naught cos omega t लिखा जा सकता है।
यहाँ पे I नॉट एंड E नॉट क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और E नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF. तो बेटा अब जब नेक्स्ट स्टार्ट होगी क्लास, तो उसमें हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ इस करंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे. इसमें हम लोग अब फिर से एलआर सर्किट कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टर कनेक्ट करके देखेंगे, कैपेसिटर कनेक्ट करके देखेंगे और इंडक्टर कनेक्ट करके देखेंगे, और लेट्स सी कि करंट का और ईएमएफ का आपस में क्या रिलेशन है. डीसी करंट में करंट और ईएमएफ का हमेशा रिलेशन वी इज इक्वल्स टू आईआर होता है, और कैपेसिटर्स के केस में क्यू इज इक्वल्स टू वीसी, दैट इज डीक्यू बाय डीटी लिख सकते हो. तो आप डीसी वाला पार्ट अभी खत्म कर चुके हो बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट आपका जो है वो है अल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो अब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को लगाएंगे. और जैसे आपने देखा था कि कैपेसिटर एंड इंडक्टर जब डीसी में लगता है तो एक स्टडी स्टेट अचीव हो जाती है, और उस स्टडी स्टेट के बाद इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई रोल नहीं रहता है. ओके, अब हम अल्टरनेटिंग सर्किट में देखेंगे क्या कुछ ऐसा होता है इसमें या नहीं होता है. ओके, सो ये बेटा आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं.